हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ओडेक्स में किस प्रकार से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, फ्रेट फॉरवर्डर हैं, एनवीओसीसी हैं, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप किस प्रकार से ओडेक्स के पोर्टल में अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। ओडेक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए odexglobal.com इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और इधर आप जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम जो यूजर हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर न्यू कंपनी में यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये चार स्टेप पे आपका फॉर्म कम्प्लीट होगा। सबसे पहले आपको कंपनी की डिटेल डालनी है, उसके बाद एड्रेस डिटेल, यूजर डिटेल और फिर टर्म्स कंडीशन। ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंपनी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप एक से ज्यादा कंपनी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अगर आप जिस टाइप का बिजनेस करते हैं, जैसे अभी हम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मल्टीपल बिजनेस करते हैं, सपोज आप फ्रेट फॉरवर्डर करते हैं, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन एनवीओसीसी का काम है, उसको भी कर सकते हैं। तो आप जितने ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट यहां पे बढ़ जाएगा। देखिए लाइन एनवीओसीसी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे 10 नंबर मैंडेटरी आ रहा है, तो अभी हम उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट आता है, तो यहाँ पे हम ऑल सेलेक्टेड 834 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको देना है, पहला पैन नंबर और दूसरा आईसी नंबर। तो इस प्रकार से आप पैन नंबर और फिर आप उसका इशू डेट डाल देंगे, सेम आप आईसी नंबर डाल देंगे और उसका यहाँ पे आप डेट डाल देंगे जब भी आपका आईसी नंबर इशू हुआ है, और इधर आप उसका अटैचमेंट यहाँ पे आपको कर देना है। तो आप उसको उसके फाइल रख लीजिए और उसको यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। इस प्रकार से ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमको नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, तो जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है एज पर रिकॉर्ड वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, सिटी सेलेक्ट कर देंगे, ईमेल आईडी आपको अपनी डाल देनी है और इधर कॉन्टेक्ट पर्सन आपको डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम फिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डिफॉल्ट है और इसी को हम बिलिंग एड्रेस कर देते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन डाल देंगे। उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का आपको यहाँ पे पैन कार्ड फिर से डालना है, तो अगर आप सेम हैं तो आप सेम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट है, तो एक केवाईसी डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, जीएसटी सर्टिफिकेट, टेलीफोन बिल, इनमें से कोई एक आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इस प्रकार से। तो ये अपलोड करने के बाद आपको यहां पे जीएसटी नंबर अपलोड करना है जो कि मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से यहां पे जीएसटी नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको यूजर का डिटेल डालना है, तो सबसे पहले उसका टाइटल सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद उसका नाम आप डाल देंगे, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आप यूजर की ईमेल आईडी डालेंगे जो भी यूजर इस पोर्टल को यूज करने वाला है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कंपनी टाइप आपने जो डाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, डिपार्टमेंट और अकाउंट ऑपरेशन, तो दोनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी में हम सारी एक्टिविटी करेंगे जो जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद एड यूजर करके आप अगर एक अकाउंटेंट भी यहाँ पे बनाना चाहते हो जो आप बिलिंग वगैरह देखे, तो आप एड यूजर करके उसको एड कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टर्म्स कंडीशन इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको आपको एक बार रीड
कर लेना है। रीड करने के बाद आप आई एग्री में यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद इस प्रकार से आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इनका प्रोसेस है आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे हमने अपने कंपनी का डिटेल सब कुछ इस प्लेटफॉर्म में भर दिया। फॉर्म भरने के बाद सक्सेस का जब मैसेज आपको आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए ओडेक्स की जो टीम होगी इसको आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद आपने जो मेल दिया है उस मेल आईडी पे आपको पासवर्ड और यूजर आईडी भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप इस पोर्टल को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर हैं, एनवीओसीसी हैं, सीएचए हैं, तो आप इस पोर्टल पे आपको जरूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेस आप आसानी से यूज कर सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।